Hello dear students and welcome to our YouTube channel Rejoice Educational. We are starting with Science Class 8 Chapter 2 Microorganisms, Friend and Foe. We are on page number 24. Page number 24 पे अब हम लोगों को देखना है diseases causing microorganisms in plants. Microorganisms जो plant में अलग अलग diseases यहाँ पर cause करते हैं वो हम लोगों को देखने हैं students. Several microorganisms cause diseases in plant like wheat. कुछ microorganisms की वजह से wheat crop में, rice crop में, potato में, sugar cane में, orange में, apple and other दूसरे crops में भी diseases यहाँ पर होते हैं because of the microorganisms. The diseases reduce the yield of the crop. जो diseases होते हैं वो क्या करते हैं? Diseases होने की वजह से जो क्रॉप का यील्ड होता है या प्रोडक्शन हम लोग जिसको बोल सकते हैं वो प्रॉपरली नहीं हो पाता, रिड्यूस प्रोडक्शन होता है. इस वजह से फार्मर्स को भी यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ता है. सो हम लोगों को टेबल 2.2 देखना है. फॉर सम सच प्लांट डिसीजेस दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूज़ ऑफ सर्टन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स. सो यहाँ पर हम लोगों को कुछ डिसीजेस के बारे में देखना है, उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मोड वो भी देखना है. सो लेट्स सी टेबल 2.2. नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 25. ऑन पेज नंबर 25 वी हैव टू सी टेबल 2.2. सो सम कॉमन प्लांट डिसीजेस कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. हम लोगों को कुछ कॉमन प्लांट डिसीजेस दिया है. सो लेट्स सी. सबसे पहले प्लांट डिसीजेस पहले कॉलम में साइट्रस कैंकर हम लोगों को दिया है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया के वजह से ये होता है. मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर के वजह से ये फैलता है. उसके बाद दिया है रस्ट ऑफ व्हीट. सेकेंड डिसीज़ है रस्ट ऑफ व्हीट, वो फंगस के वजह से होता है और एयर या सीड्स के वजह से ये स्प्रेड होता है. उसके बाद यहाँ पर दिया है येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी, विच इज़ कॉल्ड एज ओकरा. भिंडी को हम लोग ओकरा भी बोलते हैं. येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी ये डिसीज़ है जो वायरस की वजह से हो सकता है और ये इंसेक्ट की वजह से स्प्रेड होता है. नाउ वी हैव टू सी फूड पॉइजनिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स. बूझो वॉज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू अ पार्टी. बूझो को एक बार एक पार्टी में इन्वाइट किया था उसके फ्रेंड ने. एंड ही एट अ वेराइटी ऑफ फूड स्टफ. वहाँ पर उसने अलग अलग तरह के फूड आइटम्स खाए. ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वोमिटिंग एंड हैड टू बी टेकन टू अ हॉस्पिटल. घर पहुँचते ही बूझो को वोमिटिंग्स होने लगी और उसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा. द डॉक्टर सेड दैट हिज दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग. और डॉक्टर ने बताया कि बूझो का ये जो कंडीशन हुआ है ये फूड पॉइजनिंग की वजह से भी हो सकता है. पहेली वंडर्स हाउ फूड कैन बिकम ए पॉइजन. सो पहेली को यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, जो फूड हम लोग हमेशा कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, वो पॉइजन कैसे बन सकता है. सो लेट्स सी. फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि हर जगह पर होते हैं वो फूड में भी होते हैं, तो कभी कभी वो फूड को स्पॉइल कर देते हैं. फूड के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस कर देते हैं जिस वजह से जो फूड है वो ख़राब हो जाता है. और अगर हम लोग वो ख़राब वाला खाना खा लेते हैं तो हम लोगों को फूड पॉइजनिंग हो सकती है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन अवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस. जो खाने के ऊपर तैयार होने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें टॉक्सिक केमिकल्स क्रिएट कर देते हैं और टॉक्सिक केमिकल्स प्रोड्यूस होने की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो फूड होता है उसको ख़राब कर देते हैं, पॉइजनस बना देते हैं. और इस तरह का फूड अगर हम लोग खाते हैं तो हम लोगों को फूड पॉइजनिंग हो सकती है. दीज मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ. कभी कभी बहुत ज़्यादा हम लोगों की तबीयत ख़राब हो सकती है पॉइजनस फूड खाने से, या इवन डेथ भी हो सकती है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बींग स्पॉइल्ड. इसीलिए हम लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है, खाना ख़राब नहीं होना चाहिए, उसको हम लोगों को अच्छे से प्रिजर्व करना होता है ताकि वो ख़राब नहीं हो और हम लोगों को ख़राब खाना न खाना पड़े.
On page number 25, we have to see food preservation. फूड को प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं? अब प्रिजर्व करना यानी ख़राब होने से रोकना, प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिजर्वेशन. सो हम लोग फूड को भी ख़राब होने से किस तरह से बचाते हैं, लेट्स सी. इन चैप्टर 1 वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड्स यूज टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स. फूड ग्रेन्स को किस तरह से हम लोग यहाँ पर स्टोर करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में उसकी मेथड्स देखी है. How do we preserve cooked food at home? लेकिन जो पकाया हुआ खाना होता है उसको घर पे हम लोग किस तरह से प्रिजर्व करते हैं, ख़राब होने से बचाते हैं. We know that bread left unused under moist conditions is attacked by fungus. हम लोगों को पता है अगर हम लोग ब्रेड को वैसे ही रहने देते हैं, बच जाती है, unused bread जो होती है वो moist condition में उसको fungus जो है attack कर लेता है and वो bread जो है वो black होने लगती है, मतलब फंगस उसके ऊपर ग्रो होने लगती है. स्पॉइल फूड एमिट्स बैड स्मेल एंड हैज़ अ बैड टेस्ट एंड चेंज कलर. जो ख़राब खाना होता है उससे बैड स्मेल आती है, उसकी टेस्ट ख़राब हो जाती है और उसका कलर भी बदल जाता है. इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड ए केमिकल रिएक्शन? खाने का ख़राब होना एक केमिकल रिएक्शन है या नहीं, हम लोगों को पूछा है. सो येस, जो केमिकल रिएक्शन फूड में, जैसे ही हम लोग फूड को पकाते हैं उस मोमेंट से ही फूड के अंदर केमिकल रिएक्शंस होना शुरू हो जाता है और केमिकल रिएक्शंस का ही ये जो सिलसिला है वो चलता रहता है और अल्टीमेटली जो फूड है वो ख़राब हो जाता है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर अटैक करते हैं, एक्ट करते हैं और उसको डिकम्पोज करने लगते हैं, तो इस तरह से फूड जो है वो ख़राब होने लगता है. सो पहली बॉट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट देम फॉर अ फ्यू डेज. पहली ने कुछ आम खरीदे बट कुछ दिनों तक वो आम नहीं खा पाई. लेटर शी फाउंड दैट दे वेयर स्पॉइल्ड एंड रॉटन. कुछ टाइम बाद उसको पता चला, उसको वो देख पाती थी कि जो आम है वो ख़राब हो चुके थे और सड़ गए थे, रॉटन यानी सड़ जाना. बट शी नोज दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम. लेकिन वो जानती है कि उसकी ग्रैंड मदर जो आम का अचार बनाती थी वो बहुत टाइम तक ख़राब नहीं होता था, सालों साल तक चलता था. शी इज़ कन्फ्यूज़. अब वो यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो चुकी है क्योंकि उसने जो आम खरीदे थे वो जल्दी से ख़राब हो गए थे और उसकी ग्रैंड मदर जो आम का अचार बनाती थी वो सालों साल तक वैसे ही रहता था और फ्रेश रहता था और वो लोग खा सकते थे. सो अभी वो कन्फ्यूज़ हो चुकी है. नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 26. लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम्स. हम लोग घर पे हमारा खाना ख़राब होने से किस तरह से बचा सकते हैं उसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है. वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. खाना ख़राब होने से बचाने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से बचाना होता है. सबसे पहला मेथड है यहाँ पर केमिकल मेथड. सो केमिकल मेथड देखते हैं. सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल्स आर कॉमन केमिकल्स जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. चेक यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, सॉल्ट यानी नमक और एडिबल ऑयल यानी खाने का तेल इस्तेमाल करना पड़ता है जो हमारे घर पे इजीली अवेलेबल होता है. देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स. इनको सॉल्ट एंड ऑयल जो होता है एडिबल ऑयल उसको हम लोग प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं. वी ऐड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स. जो हमारे अचार होता है, पिकल्स होते हैं, उनके उसके अंदर बहुत सारा सॉल्ट या एसिड प्रिजर्वेटिव्स हम लोग डाल सकते हैं सो दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर अटैक ना करे और वो ज़्यादा देर तक अच्छा रहे. सोडियम मेटाबायसल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स. ये सोडियम बेंजोट एंड सोडियम मेटाबायसल्फेट जो है ये कॉमन प्रिजर्वेटिव्स के तौर पर यूज़ किए जाते हैं. These are also used in jams and squashes to check their spoilage. Jam और squash जो होता है, जो हम लोग फ्रूट से तैयार करते हैं, फ्रूट का पल्प निकाल कर तैयार करते हैं, उसके अंदर भी ये प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं ताकि वो ख़राब होने से बच सके. उसके बाद प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट की मदद से किस तरह से हम लोग फूड को प्रिजर्व होने से, फूड को ख़राब होने से रोक सकते हैं, उसका प्रिजर्वेशन कर सकते हैं. कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस. काफ़ी पुराने टाइम से मछली को या जो मीट होता है, मांस होता है, मांस मच्छी को
ख़राब होने से बचाने के लिए कॉमन सॉल्ट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है बहुत ही पुराने समय से। मीट एंड फिश, क्योंकि पुराने समय में तो जो अलग अलग प्रिजर्वेटिव्स है, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स है, वो अवेलेबल नहीं हुआ करते थे, सो उस टाइम पे तो सॉल्ट ही सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था। मीट एंड फिश आर कवर्ड बाय ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए जो नमक होता है, नमक से ढका जाता है, ड्राई सॉल्ट से कवर किया जाता है मीट को और फिश को। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आमला, रॉ मैंगोज, टैमरिन, टैमरिन यानी इमली, आमला तो आप लोगों को पता है आंवला, और जो कच्चा आम होता है उसको इन फ्रूट्स को प्रिजर्व करने के लिए जो सॉल्ट होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं, घर पे कॉमनली यही यूज़ होता है। उसके बाद प्रिजर्वेशन बाय शुगर, जो सॉल्ट होता है सॉल्ट की तरह शुगर भी एज अ प्रिजर्वेटिव एक्ट करता है। जैम, जेली एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व बाय शुगर, क्योंकि जैम और जेली जो होता है ये मीठे होते हैं टेस्ट में, इनमें हम लोग सॉल्ट को ऐड नहीं कर सकते, इसीलिए शुगर ऐड की जाती है। शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। शुगर से क्या होता है, जो मॉइस्चर होता है वो कम हो जाता है, और मॉइस्चर कम होने की वजह से बैक्टीरिया ग्रो नहीं होते और जो फूड है वो स्पॉइल नहीं होता। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, ऑयल और विनेगर का यूज़ करके भी हम लोग फूड प्रिजर्व कर सकते हैं। यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर, विनेगर जो होता है वो एसिटिक एसिड में अगर हम लोग वाटर डालते हैं, पानी ऐड करते हैं, तो वो विनेगर बन जाता है। सो यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैनॉट लिव इन सच एन एनवायरमेंट। ऑयल और विनेगर डालने के बाद बैक्टीरिया के लिए ये एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं रहता, और ऐसी सिचुएशन में बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो सकते। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। वेजिटेबल्स को, सब्जियों को, फिश को, फ्रूट्स को और मांस जो होता है उसको, इन सारी चीज़ों को ऑयल लगाकर, ऑयल के हेल्प से हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं। उसके बाद हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स, हम लोगों को हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स के बारे में भी पढ़ना है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज़ स्टोर्ड और यूज़। हम लोगों ने मिल्क को यूज़ करने के पहले घर पे, हमारे यहाँ पे मिल्क जो है वो बॉइल किया जाता है। सो बॉइल इसीलिए किया जाता है ताकि उसके अंदर जो भी बैक्टीरियाज है वो किल हो जाए, और जो मिल्क है वो ज़्यादा देर तक हम लोग यूज़ कर सके। बॉइलिंग किल्स मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बॉइलिंग जो होता है वो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देता है, और मिल्क जो है वो ज़्यादा टाइम तक ख़राब होने से बच सकता है। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर, लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। लो टेम्परेचर की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं हो पाती, और इस वजह से रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ फूड जो होता है, खाना जो होता है, वो ज़्यादा देर तक सेफ और फ्रेश रह सकता है। अब बूझो को यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, वाई डज द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट्स नॉट स्पॉइल। My mother told me that the milk is pasteurized. What is pasteurization? तो यहाँ पर दूध जो पैकेट में प्लास्टिक के पैकेट्स में जो दूध आता है वो ख़राब क्यों नहीं होता, तो उसको बोला गया है कि वो है पॉस्चराइज मिल्क। सो पॉस्चराइजेशन मतलब क्या होता है ये हम लोगों को अभी जानना है। लेट्स सी वॉट इज़ मीन बाय पॉस्चराइजेशन। पॉस्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। जो पॉस्चराइज्ड मिल्क होता है वो हम लोग ऐसे ही विदाउट बॉइलिंग कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते। द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 seconds एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड। क्या किया जाता है, जो दूध होता है उसको 70 डिग्री पे हीट किया जाता है और 15 से 30 सेकेंड के लिए, और सडनली उसको ठंडा किया जाता है। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ऐसा करने से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ग्रो नहीं होते हैं दूध के अंदर। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुइस पॉश्चर। इस प्रोसेस को लुइस पॉश्चर ने डिस्कवर किया था, इट इज़ कॉल्ड एज पॉस्चराइजेशन, और इसीलिए इसको हम लोग पॉस्चराइजेशन बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पॉस्चराइजेशन। स्टोरेज एंड पैकिंग, दीज डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो ऐसे एयर टाइट कंटेनर्स में
ग्रो नहीं हो सकते बिकॉज उनको भी ग्रो होने के लिए एयर की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत सारे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर सील्ड जो एयर टाइट कंटेनर्स होते हैं उसमें पैक किए जाते हैं और मार्केट में सेल किए जाते हैं, जिसकी वजह से जो फूड स्टफ रहता है वो ख़राब नहीं होता है और किसी भी तरह का फूड पॉइजनिंग उसमें नहीं होता है और बहुत ज़्यादा देर तक वो अच्छे रहते हैं, रिफ्रेश रहते हैं और हम लोग उसको ज़्यादा टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। ऑन पेज नंबर 26 वी हैव टू सी नाइट्रोजन फिक्सेशन। यू हैव लर्नड अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लासेस 6th and 7th। बैक्टीरियम राइजोबियम के बारे में हम लोगों ने 6th और 7th क्लास में पढ़ा है। इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट जैसे यहाँ पर आप लोग बोल सकते हो बीन्स, पीज, ऐसे जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, पल्सिस वाले प्लांट्स होते हैं, उनके द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो होता है। रिकॉल दैट राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट के जो रूट नोड्यूल्स होते हैं वहाँ पर राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया सच एज बीन्स एंड पीज के जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स के पास, विथ विच इट हैज़ अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है इनका लेग्यूमिनस प्लांट के साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है। इसका मतलब जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं वो भी इनको बैक्टीरिया को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और बदले में जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। इस तरह का सिम्बियोटिक रिलेशनशिप उन दोनों के बीच में होता है। समटाइम्स नाइट्रोजन गेट्स फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। कभी कभी नाइट्रोजन जो होता है लाइटनिंग के वजह से भी फिक्स होता है। बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोसफियर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। जो एटमोसफियर का जो प्रमाण है नाइट्रोजन का वो कॉन्स्टेंट ही रहता है। यू मे वंडर व्हाई एंड हाउ, किस तरह से वो ऐसा होता होगा, क्योंकि अगर जो प्लांट्स है वो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो एटमोसफियर में नाइट्रोजन जो होता है वो कम क्यों नहीं होता। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन। सो हम लोगों को ये नेक्स्ट सेक्शन में समझने की कोशिश करनी है। वी आर ऑन पेज नंबर 27 ऑफ साइंस बुक क्लास 8 CBSE बोर्ड। नाउ वी हैव टू सी नाइट्रोजन साइकिल। आवर एटमोसफियर हैज़ 78% नाइट्रोजन गैस। जो हमारा एटमोसफियर है अर्थ का उसमें 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द एलिमेंट, वन ऑफ द इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड्स एंड विटामिन्स। जो नाइट्रोजन होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्योंकि इट वर्क एज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन जो होते हैं वो नाइट्रोजन्स के थ्रू ही बनते हैं। सो द एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन कैनॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। जिस तरह से जो फिशेज होते हैं स्टूडेंट, जो मछलियाँ होती है वो, उनको भी जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लेकिन वो डायरेक्ट ऑक्सीजन जैसे हम ह्यूमंस और एनिमल्स जो होते हैं लैंड पे रहने वाले हम लोग डायरेक्टली एयर का ऑक्सीजन ले सकते हैं, वैसे वो मछलियाँ नहीं ले सकती। उनको ऑक्सीजन पहले पानी में डिजोल्व करना पड़ता है और पानी में डिजोल्व किया हुआ ऑक्सीजन वो यूज़ करते हैं फॉर देयर लिविंग। इसी तरह से जैसे कि वो डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं ले सकते, उसी तरह से प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकते हवा से। ओके, सर्टन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फियर एंड कन्वर्ट इट इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। कुछ अल्गी और बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन से एटमॉस्फियर से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं और उसका नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्शन करते हैं। उसका किस में कन्वर्शन करते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्शन करते हैं। वंस नाइट्रोजन इज़ कन्वर्टेड इनटू दीज यूजेबल कंपाउंड्स इट कैन बी यूटिलाइज बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम। फिर एक बार इनका नाइट्रोजिनस कंपाउंड, जो नाइट्रोजन कंपाउंड है वो तैयार हो जाते हैं, उसके बाद जो प्लांट्स होते हैं सॉइल के थ्रू उसको
अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं अपने रूट्स के द्वारा. नाइट्रोजन इज़ देन यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स. और नाइट्रोजन की मदद से प्लांट जो है अपना प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं और दूसरे कंपाउंड्स भी सिंथेसिस करते हैं. और एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन एंड जो एनिमल इन प्लांट्स को खाते हैं उनको अपने आप ये प्रोटीन जो है वो मिल जाता है एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड. प्रोटीन और दूसरे भी नाइट्रोजन कंपाउंड जो एनिमल्स इन प्लांट्स को खाते हैं उनको मिल जाता है बिकॉज नाइट्रोजन कंपाउंड और दूसरे और भी कंपाउंड्स या प्रोटीन प्लांट के अंदर ऑलरेडी तैयार हो जाते हैं. उनको खाने के बाद एनिमल्स के पास भी वो प्रोटीन आ जाते हैं और बाद में इवन ह्यूमंस जो हम लोग लेग्यूम्स वगैरह कंज्यूम करते हैं उसमें भी हमको प्रोटीन मिलता है. देन व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई बैक्टीरिया एंड फंगाई प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजिनस वेस्ट इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड टू बी यूज बाय प्लांट्स अगेन. और एक बार एनिमल्स और प्लांट्स का डेथ हो जाता है तो उनका जो वेस्ट जो डेड बॉडी और प्लांट वेस्ट जो होता है वो मिट्टी में डिकम्पोज हो जाता है. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बॉडी का नाइट्रोजिनस कंपाउंड वो क्या करते हैं, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं उस नाइट्रोजिनस वेस्ट को नाइट्रोजिनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं फिर से. और ये इस तरह से जो नाइट्रोजिनस कंपाउंड में कन्वर्शन हुआ है वो प्लांट फिर से इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. सर्टन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक इन टू द एटमोसफियर. कुछ ऐसे टाइप के बैक्टीरिया भी है जो नाइट्रोजन कंपाउंड नहीं तैयार करते, डायरेक्टली नाइट्रोजन गैस तैयार करते हैं और वो नाइट्रोजन गैस जो होती है वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में चली जाती है. इस तरह से द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेंस मोर और लेस कॉन्स्टेंट. और इसी तरह से जो एटमॉस्फेयर का परसेंटेज है नाइट्रोजन का वो कभी कम नहीं होता, उसका बैलेंस कभी बिगड़ता नहीं है, वो कम ज़्यादा करके कॉन्स्टेंट ही रहता है. प्लांट्स एंड एनिमल्स डायरेक्टली हमारे एटमॉस्फेयर में जो होता है वो नाइट्रोजन नहीं ले सकते, इसीलिए जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं वो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बनाते हैं. नाइट्रोजनस कंपाउंड जो कि जिनको नाइट्रेट्स बोलते हैं वो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं. प्लांट जब एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उन प्लांट्स को खाने के बाद एनिमल्स के अंदर वो आ जाता है. एनिमल्स जो प्लांट खाते हैं प्लांट खाने के बाद नाइट्रोजनस कंपाउंड एनिमल के बॉडी में चले जाते हैं. नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया जो प्लांट के लिए नाइट्रोजन कंपाउंड बनाते हैं. उसके बाद प्लांट को खाने के बाद एनिमल्स के बॉडी में नाइट्रोजन चला जाता है. उसके बाद एनिमल्स जब डिकम्पोज होते हैं, एनिमल्स जब मरने लगते हैं तो उसमें अमोनिया तैयार होता है. अमोनिया तैयार होने के बाद नाइट्राइट तैयार होता है और नाइट्राइट तैयार होने के बाद उसका नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स तैयार होते हैं जिसको हम लोग नाइट्रेट बोलते हैं. और इस तरह से वो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन फिर से एटमॉस्फेयर में वापस आ जाता है.